खरगोन शहर के बस स्टैंड क्षेत्र में बीती रात एक लापरवाह बस चालक ने सड़क किनारे लगे ठेलों को टक्कर मार दी, जिससे ठेले पर बिक्री के लिए रखा सामान को नुकसान हुआ। साथ ही दो बच्चों के पैर में चोट आई। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार अंजलि ट्रेवल्स के बस चालक ने रात करीब 10 बजे लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए अंडे, सेव, मिक्सचर आदि के लगे ठेलों को टक्कर मार दी। इससे ठेले संचालकों में आक्रोश भी देखा गया। उनका कहना था कि बस चालक बस स्टैंड के भीतर वाहन लगाने के बजाय दुकानों, ठेलों के सामने भी सड़क पर वाहन खड़े कर देते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी कुछ समय पहले देखा गया यहाँ पे एक ठेले पे बस चढ़ी, क्या घटना है पूरी? ये बस मालिक इसको कई बार हमने कहा है कि गाड़ी नहीं लगाना, और उसके बाद में भी यहाँ दादागिरी होती, बदमाशी होती है बस के ऊपर, और लोग यहाँ ऊपर तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं, है ना, और उनको कहने के बाद में भी वो सुनते नहीं है। मोटर मालिक बोलिए साजिश की तरह हमारी दुकानें तोड़ी गई है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि आप बसें यहाँ 8 बजे आके लग जाती है, 10 बजे स्टार्ट करने की जरूरत क्या थी ड्राइवर को? कितना नुकसान हुआ है? अभी नुकसान तो बहुत काफी हुआ है, अभी देख रहे हैं कितने का नुकसान हुआ उसका पता लगाएंगे। लगभग कितने ठेले लगे थे यहाँ पे? तीन ठेले लगे हैं। तीनों पे चढ़ा दी बस? तीनों पे चढ़ा दी, और दो बच्चों को चलते कुचलते बचे हुए। अच्छा, कुछ जनहानि हुई है इसमें? जनहानि का नुकसान बहुत हुआ है, और बच्चियों को नुकसान हुआ है, बच्चियों को लगी हुई है। क्या नाम लिखते हैं आप? जियालाल वर्मा। ठीक, इसकी शिकायत करी थी पूर्व में कभी? शिकायत नहीं करी थी हमने, हमको तो पता नहीं था, साजिश के तहत हुआ ना। बस स्टैंड में अंजलि बस सर्विस के ड्राइवर द्वारा अचानक से लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुए अंडे के 3 ठेले थे उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें कुछ घायल भी हुए थे, और उसमें कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है और आरोपी गिरफ्तार किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।